अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। ये असाइनमेंट है स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 की और इसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2024, और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। मूव करते हैं असाइनमेंट के स्टेटमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। यूज योर ओन वी यू प्रोवाइडेड स्टूडेंट आईडी। इन केस ऑफ नॉट यूजिंग योर ओन वी यू आईडी, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो इस असाइनमेंट में आपने अपनी आईडी लिखनी है। मैं जो प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा उसके अंदर जनरल आईडी लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस जगह पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। योर प्रोग्राम मस्ट टेक द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी, मतलब जो भी आपकी आईडी है उसमें स्टार्टिंग पे बी सी होता है और उसके बाद आगे एक नंबर होता है। तो आगे जो नंबर होगा जस्ट हमने वो पिक करके उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। डिस्प्ले योर वी यू स्टूडेंट आईडी, सबसे पहले आईडी डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले द डिजिटल पार्ट ऑफ योर वी यू स्टूडेंट आईडी, मतलब जो स्टूडेंट आईडी है उसका जो डिजिटल पार्ट है वो डिस्प्ले करवाएंगे। स्टोर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर वी यू स्टूडेंट आई डी इन अ वेरिएबल, तो वो डिजिटल पार्ट होगा या न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसे एक वेरिएबल में सेव करेंगे। सेपरेट द इवेंट डिजिट्स, उसके अंदर जो इवेंट डिजिट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द इवेंट डिजिट्स, जितने भी इवेंट डिजिट्स आपके आई डी में आएंगे उनके सम को कैलकुलेट करना है और फिर उस सम को प्रिंट करवा देना है। और इसके लिए यहाँ पे लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है, यू विल डिफाइन द सम ऑफ इवेंट डिजिट फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स। मतलब मेन फंक्शन के अंदर हमने ये काम नहीं करना, बल्कि इसके लिए हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर करना है सम ऑफ इवन डिजिट के नाम से। तो मूव करते हैं डेफ सी प्लस प्लस में, और वहां पे मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा और साथ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट सा कोड है। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आएगा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद मूव करते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है इंट मेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है स्टूडेंट आईडी के नाम से, और जो आपकी आईडी का इंटीजर पार्ट होगा वो इसको असाइन कर देंगे। उसके बाद दो सी आउट के स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टूडेंट आईडी और उसके आगे आईडी मेंशन होगी। लास्ट में आप बैक स्लैश एन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंडल की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों न्यू लाइन के लिए यूज होंगी। उसके बाद सेकेंड सी आउट की स्टेटमेंट होगी, डिजिटल पार्ट ऑफ स्टूडेंट आई डी इज, मतलब बी सी को छोड़ के बाकी जो ये डिजिटल पार्ट है जो हमने यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट आई डी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। और इसके बाद सम ऑफ इवन डिजिट्स का जो फंक्शन था उसे हमने कॉल करना है, और इस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर आपकी स्टूडेंट आई डी होगी, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया हुआ है वो वेरिएबल इस जगह पे हम मैंशन कर देंगे। इस फंक्शन का नाम रखते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप दो अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच कैमल केसिंग की है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, मतलब जब सम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड बनता है ऑफ, तो ऑफ का ओ कैपिटल होगा। उसके बाद ऑफ के बाद इवन आता है तो इवन का ई कैपिटल होगा, और इवन के बाद डिजिट्स का वर्ड है तो डिजिट का डी कैपिटल होगा। इस तरीके से जो वर्ड है उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि सम के बाद आप अंडरस्कोर लगा दें, ऑफ के बाद अंडरस्कोर, इसी तरीके से इवन के बाद अंडरस्कोर लगा सकते हैं। लेकिन जो भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे उसी नाम का इस जगह पे फंक्शन डिक्लेयर करना है। ये आप देख सकते हैं ये फंक्शन कंप्लीट लिखा हुआ है, इंट सम ऑफ इवन डिजिट्स। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किया है स्टूडेंट आई डी का, तो इस जगह पे एक पैरामीटर हम लिखेंगे इंट स्टूडेंट आई डी भी आप लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। लेकिन जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे उस वेरिएबल को इस फंक्शन में फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो मैंने स्टूडेंट आईडी ही लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। तो स्टूडेंट आईडी इस जगह पे जो मेंशन हो रही है वहां पे यही नंबर जो हमने इसे पास किया था वो यहाँ पे रिसीव किया जाएगा इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे दो और इंटीजर्स की जरूरत थी, एक डिजिट और दूसरा सम, तो वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। तो अगर असाइनमेंट में आपको याद हो हमें इवन डिजिट्स डिस्प्ले करवाने थे, तो उसके लिए मैंने सी आउट के स्टेटमेंट लिख दिया और इसके आगे जो इवन डिजिट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद वाइल लूप है, और वाइल लूप के अंदर वो वर्किंग हो रही है जिसके थ्रू इवन डिजिट्स सेपरेट होंगे और उनका सम कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि वाइल स्टूडेंट आई डी नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक स्टूडेंट आई डी जीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा।
इसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये है कि डिजिट इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी मॉडुलस 10। तो यहाँ पे अब यह होगा कि जो स्टूडेंट आईडी है वो इस तरीके से लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम स्टूडेंट आईडी का मॉडुलस लेंगे 10 से, इसका मतलब है इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो 9 रिमाइंडर आएगा। तो इस डिजिट में 9 सेव हो जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट आईडी है उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट आईडी ये है, इस नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8.9, क्योंकि 10 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा और ये नंबर हमारा बाकी बच जाएगा स्टूडेंट आईडी के वेरिएबल में। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि जो डिजिट के अंदर वेरिएबल आया था, इस केस में ये 9 था, इसका हम 2 से मॉडुलस लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर है उसे कंपेयर करेंगे 0 से। अगर तो ये इवन नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फर्स्ट नंबर चूंकि हमारे पास 9 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर उसके बाद दोबारा से हम ये वाइल लूप की स्टेटमेंट में आ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट आईडी में हमारे पास नंबर बचा है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका दोबारा हम 10 से मॉडुलस लेंगे और इस दफा हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 8 होगा। उस रिमाइंडर को हम डिजिट में सेव करवा लेंगे और स्टूडेंट आईडी को दोबारा से हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये 10 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअल में 7.8 आता है, लेकिन ये हमने इंटीजर डिक्लेयर करवाया हुआ तो 0.8 जो है वो इग्नोर हो जाएगा और यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट आईडी में आंसर आ जाएगा। उसके बाद डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो इस केस के अंदर 0 आएगा, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब स्क्रीन पे डिजिट डिस्प्ले हो जाएगा जो कि 8 है और सम कैलकुलेट होगा। तो इनिशियल में सम 0 होगा, तो उसके अंदर 0 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मॉडुलस हमारे पास 7 आ जाएगा और स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। और इसी तरीके से ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारे पास ये तमाम नंबर 10 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा था। तो इस वजह से शुरू में ये कंडीशन लगाई हुई है स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू 0। जब ये कंप्लीट काम हो जाएगा तो उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट है, सम ऑफ इवन डिजिट इज सम, मतलब जो यहाँ पे हमने सम कैलकुलेट किया हुआ है वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारी असाइनमेंट है। तो अब इस कोड को एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं, एक तो हमारा जो कोड है उसकी श्योरिटी हो जाएगी, दूसरा कोई एरर वगैरह अगर इसमें होगा तो वो भी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस कोड को रन करने के लिए मेन्यू बार में आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और इस जगह पे ऑप्शन आ रहा है कंपाइल एंड रन, या फिर कीबोर्ड से आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप अपनी फाइल को सेव करें। तो मैं अपनी फाइल को पहले ही सेव कर चुका हूँ CS201P के नाम से। आपने जो आपकी स्टूडेंट आईडी है उसके नाम से इस फाइल को सेव कर लेना है और फिर आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट आईडी, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर डिजिटल पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी इज, तो BC को छोड़ के बाकी जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो इवन डिजिट्स हैं वो हैं 8 6 4 2, वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और फिर लास्ट पे सम ऑफ इवन डिजिट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो कि 20 बनता है अगर इन तमाम डिजिट्स को ऐड किया जाए। तो आपने जस्ट ये करना है कि इस कोड के अंदर अपनी स्टूडेंट आईडी चेंज कर देनी है और बाकी आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।